बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट चिकन का व्हाइट पुलाव। आधा किलो चावल से यानी 500 ग्राम चावल से बनाएंगे हम। देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह पक चुका है। आप पुलाव का कलर देखिए, बिल्कुल वाइट है। हमने ना इसमें हल्दी का इस्तेमाल किए हैं ना मसाले का। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार बनके तैयार है। तो आप सीखना चाहोगे तो देर किस बात की। आइए शुरू करते हैं। अब हमने लिए हैं चिकन के पीसेस, अच्छे बड़े बड़े हैं यानी मीडियम साइज के हैं। लेग पीस भी है और इसका वजन 600 ग्राम है। अच्छी तरह धोकर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डाल रहे हैं एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालेंगे एक चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो क्योंकि हमें पुलाव में और भी नमक डालना पड़ेगा। अब हमने प्लेट में लिए हैं आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर और एक और आधा चम्मच भर के धनिया पाउडर। इसे भी चिकन में डाल देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर एक बड़ा प्याज स्लाइस कट करके लिए है, उसे भी डालेंगे हाथों की मदद से स्मैश करके डालेंगे। और हमने यहाँ पर लिए है दही, ये 200 ग्राम दही है। इसे हमने अच्छी तरह फेट कर लिए हैं। ये पूरा दही डालेंगे और दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज और तमाम मसाले अच्छी तरह दही के साथ चिकन में मिक्स कर दीजिए। देखिए बहुत ही अच्छी तरह हमारा चिकन मैरिनेट हो गया। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर रखेंगे। अगर आपके पास ज्यादा वक्त है तो आप इसे रात में भी मैरिनेट करके रख सकते हो, क्योंकि जितना मैरिनेट करोगे उतना टेस्टी बनेगा पुलाव। हम इसे कम से कम एक घंटे के लिए मैरिनेट करके रख रहे हैं। प्लेट ढक कर साइड में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर पतीला लिए हैं। अब हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल डॉट। इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे और इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच भर के देसी घी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। उसके बाद हमने यहाँ पर खड़े मसाले लिए हैं। इसमें लिए हैं एक चम्मच शाह जीरा, एक बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2-3 तेज पत्ते, 5-6 काला मिरी और 3 लौंग। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम खड़े मसाले डालेंगे और इससे 10 सेकंड तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने लिए एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और तीखे के लिए लिए हैं एक चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट और इन दोनों को डाल के अच्छी तरह फ्राई करेंगे 30 सेकंड के लिए। यानी हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिए है, 1 चम्मच मैरिनेट के लिए और 1 चम्मच मसाले में अदरक लहसुन और हरी मिर्ची के पेस्ट को अच्छी तरह फ्राई करेंगे यानी भूनेंगे 1 मिनट तक, जब तक अच्छी खुशबू आना शुरू नहीं होती। अब इसके बाद हम डाल रहे हैं मैरिनेट किया हुआ चिकन, पूरा डाल देंगे संभाल के वरना मसालों के छिटे हाथों पर उड़ सकते हैं। और चिकन डाल के उससे भी अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ढक कर रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए फास्ट फ्लेम पर। पाँच मिनट होने को आए हैं। अब हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे
देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है और चिकन अच्छी तरह पक रहा है। अगर बटाटे आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो। मैं 4 से 5 टुकड़े बटाटे के डाल रही हूँ और डालेंगे 1 नींबू का रस और इसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक हमने मैरिनेट के वक्त 1 चम्मच डाले थे, अभी हम 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो और डाल रहे हैं। पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए कुछ कड़ी पत्ते के पत्ते और प्लेट भर के लिए है पुदीना, हरा धनिया बारीक काट कर वह भी डालेंगे। इसके डालने से पुलाव और भी टेस्टी और खुशबूदार बनेगा। थोड़ा बचाएंगे, आगे चावल दम के वक्त डालेंगे। अब डाल रहे हैं पानी 1/2 किलो चावल के हिसाब से हम डाल रहे हैं 4 गिलास पानी। कोलम के बारी चावल है, जूने चावल है, आप अपने चावल के हिसाब से पानी डाल सकते हो और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ढक्कन ढक के पकाएंगे और पानी को अच्छी तरह उबाल आने तक पकाएंगे। जब तक पानी को उबाल आ रहा है तब तक हम चावल धोकर ढककर रख देंगे। देखिए पानी को अच्छी तरह उबाल आना शुरू हो चुका है। हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से हिलाएंगे और जो चावल हमने भीगा कर रखे हैं चम्मच की मदद से डालते जाएंगे। चावलों में जो पानी हमने एक्स्ट्रा रखे है वह नहीं डालेंगे, वरना पुलाव पूरी तरह नर्म हो जाएगा। पूरे चावल अच्छी तरह डाल देंगे। प्लेट में हमने लिए हैं 7 से 8 छोटी इलायची, थोड़ा जावित्री का टुकड़ा और छोटा जायफल का टुकड़ा। इसे हम अच्छी तरह कूट कर लेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। इसे साइड में रखेंगे। देखिए हम चम्मच की मदद से चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फिर हम डालेंगे ये जो टेस्टी मसाला हमने तैयार किया है, जो टेस्टी भी है और बहुत ही खुशबूदार है। और इसके बाद हम डाल रहे हैं 2 बूंद केवड़ा एसेंस और इन तमाम चीजों को चावलों में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह ढककर पकने देंगे ताकि पुलाव के चावल अच्छी तरह पक जाए और पानी सूख जाए। देखिए चावल अच्छी तरह पक चुका है। ढक्कन हटाकर चेक करेंगे, पानी पूरा सूख चुका है और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम चेक करेंगे चावल पका या नहीं। देखिए चावल का दाना अच्छी तरह दब रहा है, यानी चावल अच्छी तरह पक चुके हैं और अच्छे खुले खुले दाने बने हैं। अब हम डालेंगे पुदीना, हरा धनिया जो हमने बचा कर रखे थे अच्छी तरह फैला देंगे। अच्छी तरह ढक्कन ढककेंगे। कोई भारी बर्तन आपके पास हो तो रख सकते हैं। मैं भारी तवा रख रही हूँ ताकि भाप में पुलाव अच्छी तरह बन जाए। 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं और 5 मिनट के बाद हम पतीली भी नीचे लेकर चेक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह खुला खुला दाना बना है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव का कलर देखिए आप, बिल्कुल वाइट है। पुलाव में चावल के दाने भी खुले खुले बने हैं और आलू भी पूरे अखे हैं और चिकन के पीसेस भी पूरे अखे हैं, टूटे नहीं हैं। अब हम डाल रहे हैं
लेग पीस, और आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार, पूरे घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पुलाव की बहुत ही टेस्टी पुलाव चिकन का बनकर तैयार हो चुका है। तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ लेग पीस कितनी अच्छी तरह पक चुका है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। तो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही कम चीजों से, बहुत ही कम वक्त में टेस्टी पुलाव हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी जरूर बनाइए और अपने घर वालों को बनाकर खिलाए। उम्मीद है पुलाव बनाने का ये तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।